अम्बाला छावनी अनाज मंडी में किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब से फसल मंडी में आनी शुरू हुई है तब से ही धरती पुत्र की परेशानियां शुरू हो गई हैं। कभी पोर्टल की परेशानी, कभी गेट पास की परेशानी, तो कभी फसल का गेट पास न मिलने की परेशानी से जूझ रहा है। धरती पुत्र की इन्हीं परेशानियों के मद्देनजर आज अम्बाला छावनी स्थित अनाज मंडी का दौरा करने अम्बाला रेंज के कमिश्नर DC व SDM ने दौरा किया और किसानों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। कुछ समस्याओं को मौके पर ही निपटारा किया गया और कुछ के लिए किसानों को आश्वासन दिया गया। कुछ समस्याओं के लिए DC अम्बाला ने SDM अम्बाला छावनी को किसानों के साथ मीटिंग करने का आदेश दिया। मेरा नाम हरपाल है जी, सपुत्र जगदीश सिंह, शाहपुर सर मेरा गांव है। कृषि सर मैं करता हूँ, खेती करता हूँ सर। मेरे 2 पंजीकरण हुए एक ही डेट में सर। एक मेरे पास मैसेज आ गया 120 क्विंटल का सर, 115 क्विंटल का वो काट के दे रहे हैं गेट पास। मेरे पास मैसेज 120 का आया है जी, 115 काटा सर। मैं 5 क्विंटल कहाँ लेके जाऊँगा, वो कम हो गई, ये काट नहीं रहे सर। जो मेरा दूसरा नहीं आया मेरे पास मैसेज, गेट पास सर ये काट नहीं रही है, कह रहे जब मैसेज आएगा तब गेट पास काटूंगा सर। मेरे पास वो मैसेज नहीं आ रहा, पहले हफ्ते में मैसेज आ जाना चाहिए था। सारी फसल सर मेरी मंडी में आ चुकी है सर, वो मेरी तोल नहीं रहे। वो कह रहे कि भाई यहाँ वापस लेके आ गेट पास तब तोल लेंगे। सर वो कह रहे हैं कि वहाँ अंदर आ जाना कमेटी ऑफिस में, वहाँ बात करेंगे। सर मैं अभी वहाँ से भी आया हूँ, वो सर कह रहे अभी रुक जा, कह रहे भाई वहाँ दफ्तर में आना। सर कहीं सुनवाई नहीं हो रही सर, टालम टोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सर। सर क्या करें सर, मंगमी संदे मांग के आप सर 3-3 4-4 ट्रैली सर हम मांग के लेके सर, जिम्मेदार हमें इतना संदा कहाँ से सर हमारे पास है। इंद्र शर्मा मेरा नाम है, मार्केट एंटरप्राइजेज के नाम से अम्बाला कैंट मंडी में मेरी आड़त की दुकान है और लगभग इस मंडी की 50% जीरी की परचेज भी मैं करता हूँ सब आड़तियों से। हमारे आड़तियों की और हमारे आड़तियों के साथ जिम्मेदारों की भी समस्या है ये कि हम लोगों को यही नहीं पता लग रहा कि पेमेंट किसके खाते में आएगी। सरकार ने जो पोर्टल पे ऑप्शन दिया है कि जिम्मेदार सेलेक्ट कर ले कि पेमेंट आड़ती के खाते में आएगी, कुछ जिम्मेदारों ने हमारे सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन कुछ जिम्मेदार ऐसे हैं जिनका मैसेज आ गया, मैसेज उन्होंने अपनी शेड्यूलिंग कर ली कि उस किस डेट को उसकी फसल आएगी, उसके बाद पोर्टल पे वो ख़त्म हो जाती है ऑप्शन कि वो सेलेक्ट कर ले कि पेमेंट मेरी आड़ती के खाते में आएगी। अब कई लोगों की मैपिंग भी होगी, शेड्यूलिंग भी होगी, उनकी जीरी भी आ गई, उस किसी भी जिम्मेदार को ना आड़ती को पता लग रहा है कि पेमेंट किसके खाते में आएगी, ना जिम्मेदार को पता लग रहा है पेमेंट किसके खाते में आएगी। हम ये चाहते हैं कि जब जिम्मेदार हमारे पास जीरी लेके आए, क्योंकि वो हमारे से कुछ ना उसको लेबर को भी पैसे दे रहे हैं, उसने डीजल भी चाहिए, उसको पैसे भी चाहिए, उसको ट्राली का किराया भी देना है, जिम्मेदारों की कहीं भी ट्राली किराए की आती है, तो आड़ती से वो पैसे लेके जाता है, लेकिन आड़ती को ये मालूम नहीं है कि पेमेंट मेरे खाते में आएगी या डायरेक्ट उसके खाते में आएगी। सरकार को ये चाहिए उसको पोर्टल को ओपन रखे कि जब भी वो हमारे पास जिम्मेदार आए हम चेक करके, अगर वो हाँ करता है, हम जबरदस्ती करने वाले नहीं हैं, हमने जबरदस्ती क्या करनी है, जिम्मेदार का और हमारा चोली दामन का साथ है कि हम उसकी ऑप्शन जैसे वो कहे उस ऑप्शन को उसमें डाल। अपने कमिश्नर मैडम को शिकायत की, ये बात बताई क्या कहा? हमने कमिश्नर मैडम को शिकायत की, वो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे और हमारा प्रयास ये होगा कि हम उस पोर्टल को खोल देंगे ताकि आप अपनी ऑप्शन उसमें भर सकें। वहीं मंडल कमिश्नर के साथ दौरे पर आए जिला उपायुक्त से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि आज हम रूटीन चेकिंग पर अम्बाला छावनी की अनाज मंडी में आए हैं और किसानों की समस्याओं को सुना गया है। किसानों की छोटी मोटी समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है और जो पोर्टल के बारे में उनकी दिक्कत आ रही है उसके लिए उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और ये समस्या जल्दी ही दूर कर दी जाएगी। मंडी में फसल का वजन और नमी को चेक किया गया, जो ठीक पाया गया ट्रांसपोर्ट को हिदायत दे दी गई है कि वह फसल का उठान 24 घंटे में करें। रूटीन में मंडी में जाते रहते हैं और आज डिविजनल कमिश्नर मैडम भी दौरे पे आई हैं, तो आपने देखा ही है कि हमने जमींदारों से बात की है और छोटे मोटे समस्याएं जो हैं उसके बारे में मौके में निदान करने का प्रयास किया है। और इस मंडी में बिल्कुल परचेज ठीक चल रही है और अब जो पंजाब के फार्मर्स की जो अलाउ की है परचेज, उसके लिए मैपिंग के लिए बात कर ली गई है और वो भी अगर कोई यहाँ पर किसान लाना चाहेगा तो यहाँ पर आ सकते हैं। वेट ठीक मिला, मॉइस्चर जो हमने चेक किया वो गीला था, उसमें 22 पॉइंट समथिंग था वो, तो उसको जिससे फैला रखी है इसको सुखाएंगे और 19% जब मॉइस्चर आ जाएगा उसको परचेज कर लेंगे। पोर्टल की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है अब इस टाइम पे, सर्वर की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है
और कहीं दिक्कत नहीं है। अगर किसी ने गलती से कुछ गलत भर दिया है, जैसे एक किसान ने बताया 6.5 एकड़ ज़मीन है और 1 एकड़ भर दिया, तो उसका हम रेक्टिफाई कराने की कोशिश करेंगे। नहीं, अब तो आपने देखा कि बिल्कुल क्लियर हो रहा है, साथ साथ ही अब जो किसान ले आया उसका मैसेज नहीं आया हुआ था। 25% आड़तियों के हिसाब से कहने से हम उसकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो ऐसे जो केसिंग को उसमें रजिस्टर कर देंगे। और जिस किसान का मैटर था कि 2 दिन से यहाँ पे माल आया हुआ है, उसके पास कोई मैसेज नहीं था, अनसेल्यूल्ड लाया है वो, फिर भी हम उसका आज 2 बजे तक निदान कर रहे हैं। सरकार डायरेक्ट खरीद रही है या आड़ती के थ्रू ही खरीद रही है? नहीं, आड़ती के थ्रू ही खरीदी जा रही है। आड़ती को कमीशन मिलेगा अपना, और जो पेमेंट का शेड्यूल है वो भी वहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड कर देगी। सर, ट्रांसपोर्टर्स को भी कुछ हिदायत दी गई है? ट्रांसपोर्टर 24 घंटे माल उठाने की हिदायत है। स्टार्टिंग में जो हमारे 1-2 दिन का माल हो गया था, फिर भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन ठीक चल रही है, 50% से ऊपर है, और हमें लगता है कि आज हमारे सारे इम्प्रूव होकर सीधे सिस्टमेटिक हो जाएंगे।